हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपको स्टॉक क्यों करते हैं। अगर आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको इस बात का आइडिया भी है, तो वो आपको इतना स्टॉक क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या जानना है उन्हें, किस तरह का ऑब्सेशन है, क्या नीड है उनकी, व्हाई आर दे डूइंग दैट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों करते हैं ऐसा। तो आज हम ये जानेंगे, या क्यों करती हैं ऐसा, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये रीडिंग। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस आपके सिचुएशन के साथ रिलेट करें, रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें रिलेट, हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, कुछ परसेंट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना व्यूवर्स, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्यों वो आपको इतना स्टॉक करते हैं, क्या कारण है। ओके, सो लेट्स सी पहला क्या कार्ड आता है यहाँ पे। चलिए ऐसे पिक करते हैं हम। ओके, सो दो कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे साथ। ओके, वी हैव द थर्ड कार्ड ऑल्सो एंड आई नीड वन कार्ड। तो एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है एंड हियर वी हैव दीज फोर कार्ड्स। इंटरेस्टिंग, देखिए कार्ड है आइसोलेशन का, अलोन एंड कंपैरिजन एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, नॉट बैड। तो यहाँ पर तो कुछ ही शब्दों में काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, हमने ज़्यादा कार्ड्स भी नहीं निकाले और मैसेजेस यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए व्यूअर, सबसे पहले ये चीज़ मैं बताऊँगी कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि ये इंसान अंदर से दुखी कितना हो गया है आपके बिना, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा पेन में है। अब ये पेन किस तरह का है, गिल्ट का है, रिग्रेट का है, सेपरेशन का है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपके बिना अकेला है। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है, थोड़े दिन का, सही तो थोड़े दिन का, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन तो रहा है, कुछ महीनों का ही रहा हो ये पॉसिबल है, लेकिन इनके साथ आपका कनेक्शन रहा है। ऐसा नहीं कह रही हूँ सिर्फ कुछ महीनों का ही हो, महीनों से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी समय इनके साथ नहीं बिताया है या थोड़ा भी इनसे आप क्लोज नहीं हुए। कुछ तो कनेक्शन, कुछ समय का, कुछ दिनों का कनेक्शन तो ये रहा है, और ज़्यादा भी हो सकता है, साल भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये इंसान ना व्यूअर्स आपके बिना बहुत अकेला हो गया है। दोनों ही कार्ड्स अलग अलग वर्ड है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही एक जैसी बात बताते हैं, बहुत ही सिमिलर टाइप का मैसेज है इनका, जैसे अलोन एंड आइसोलेशन। आइसोलेशन में भी इंसान खुद को अकेला करता है, और अलोन में तो वो है ही अकेला। तो कहीं ना कहीं दो तरह की बातें हैं कि ये इंसान आपके बिना व्यूअर्स अकेला बहुत हो गया है, और वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए या अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बार बार आपको याद करते हैं, और जब भी वो आपको याद करते हैं वो आपको स्टॉक करते हैं। उनको हमेशा इस चीज़ के बारे में तीव्रता होती है, या क्या कहते हैं उसे, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, जानने का मन करता है कि आप किस हाल में हो, क्या आप इनके बिना सुखी हो, क्या आप इनको याद करते हो या भूल चुके, या फिर अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर उनको इतनी याद आती है कि वो आपको देख देख कर अपने आप को थोड़ा सा खुश करते हैं। दुखी भी होते हैं, लेकिन देखने से ही खुशी मिलती है, और देखने पर बहुत कुछ याद भी आता है, बहुत सारी तकलीफ़ें भी होने लगती हैं, तो वो दर्द भी होता है। थोड़ी मिक्स टाइप की फीलिंग्स हैं इनकी, इसीलिए ये अगर ऐसा सोचेंगे भी ना कि मुझे और तकलीफ़ होती है आपके फ़ोटोज़ देखने से, या आपका सोशल मीडिया स्टॉक करने से, अगर आप खुश दिखाई देते हो मेरे बिना, यानी कि अगर आप इस पर्सन के बिना खुश हो, एंजॉय कर रहे होते हैं, देखकर और तकलीफ़ होती है कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और रहा भी नहीं जाता आपको देखे बिना, क्योंकि ये जानना तो चाहते ही हैं कि आप कर क्या रहे हो, क्या इनके बिना कैसे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या सोच रहे हो और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है,
ये उन्हें पता करना है, क्योंकि वो तो आपके बिना दुखी हैं। अब आपका क्या विचार है, आपकी क्या सिचुएशन है, ये उनकी जानने की इच्छा है। और ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे आपके बिना अकेलापन इनको काटने को दौड़ता है, बहुत चुभता है, बहुत चुभन होती है इन्हें, वो अकेलापन इनको बहुत सताता है, बहुत तकलीफ़ देता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, और लोग हैं, लेकिन इन्होंने और लोगों को खुद से अलग कर दिया है। अलग कर दिया है मतलब ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे किसी से, या नहीं कर रही, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, किसी से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, अपने ही आप में, अपने ही शेल में, अपने ही जोन में बैठे हैं, और जैसे किसी को दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन छुप छुप के ये इंसान रो रहा है। व्यूअर्स, यू कैन सी द टीयर्स फ्लोइंग इन द स्काई, यू कैन सी इन दिस पिक्चर द टीयर्स आर फ्लोइंग डाउन। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ आइसोलेशन का कार्ड और यहाँ आंसू बह रहे हैं, लेकिन आइसोलेशन में ये आंसू बह रहे हैं, अकेला होकर, अकेले में ये इंसान जाके रोता है, और अपने आप को अकेला दूसरों से कर लिया है, क्योंकि दूसरे इनको नहीं समझ सकते, इनको ऐसा लगता है, और दूसरों के होने से उनको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं, वो सुकून मिलेगा ही नहीं जो उनको आपके साथ चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है। इसीलिए उन्होंने दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, दूसरों से गैप मेंटेन कर लिया है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना, ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस होती हैं या ज़्यादा बातचीत में इन्वॉल्व ना होना, कहीं बैठे हैं लेकिन वहाँ मन ना लगना, किसी काम में इन्वॉल्व तो हैं लेकिन वहाँ मन ही नहीं लग रहा है, कोई कुछ कह तो रहा है लेकिन ध्यान ही नहीं है, इनसे कोई कुछ बात करे, इनसे कोई कुछ कहे तो इनका ध्यान ही हट जाता है, इनका ध्यान ही नहीं होता उस चीज़ पर कि कोई क्या कह रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट इनका जो है, इन्वॉल्वमेंट जो इनका है वो ज़ीरो हो गया है, ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अपने मन को इन्होंने हटा लिया है। ऐसा लगता है जैसे आउटर वर्ल्ड से, यानी बाहरी दुनिया से इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है और खुद को अकेले में रख लिया है। आप देखिए, काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है तो लोगों से इंटरेक्शन तो होता ही है, लेकिन उसमें इनका मन नहीं होता। अब बेमन से जाना पड़े, बेमन से लोगों से बात करनी पड़े, फिर लेकिन अगर कोई कुछ कहे, कोई इनसे बड़ी उत्सुकता से या कोई इनसे इंटरेस्ट लेकर बात करे, तो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा याद करते हैं, आपको याद करके रोते हैं। ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर आपके फ़ोटोज़ बहुत देखना पसंद है इनको, तो आपके फ़ोटोज़, अगर पुराने फ़ोटोज़ भी आपके सोशल मीडिया पर हैं या उनके पास आपके पुराने फ़ोटोज़ हैं, तो वो उनको याद कर करके रोते हैं। और अगर वो सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाते हो, आपको देख देख कर, सॉरी फॉर माई थ्रोट, आपको देख देख कर उन्हें बहुत सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, तो उनके आंसू झलक जाते हैं, तो वो आपको स्टॉक किए बिना रुक ही नहीं पाते। ये एक पैशनेट लव है, ये कोई यहाँ पर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, या फिर कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं कि जिसके लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये कंप्लीट ऑब्सेशन है। और ये ऑब्सेशन कोई टॉक्सिक या नेगेटिव ऑब्सेशन नहीं, ये इतने पैशनेट हैं आपके लिए, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि ये आपको स्टॉक किए बिना रह ही नहीं पाते। चाहे ये सुबह खुद डिसाइड करे कि आज मैं नहीं इन सब चीज़ों को देखूंगा, देखती हूँ तो दुख और होता है, क्योंकि वो तो लगता है मेरे बिना खुश हैं, लेकिन फिर भी शाम तक होते होते, दिन अंत होते होते, वो स्टॉक ही करने लगते हैं आपको। दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो क्योंकि बहुत अकेले हैं और आपके बिना अकेले हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, एक अकेलापन है, चाहे परिवार में कितने भी लोग हों, चाहे फ्रेंड सर्कल में या वर्क प्लेस पर कितने भी लोग हों आसपास, अंदर से जो सूनापन आता है, अंदर से जो खालीपन आता है, उसे कोई और फिल नहीं कर सकता व्यूअर्स। यानी कि ये ऐसा भी सोचते हैं कि आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता। ऐसा लगता है जैसे कहना चाह रहे हैं कि नोबडी कैन रिप्लेस यू, यू आर द ओनली वन, आप ही हो सिर्फ जो हो। तो अकेले में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, इसीलिए व्यूअर्स अब खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी मेमोरीज फिर उनको याद आने लगती हैं और वो उनसे दूर भी नहीं रह सकते। ये एक तरह की, मैंने कहा ना, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, उसको बयान नहीं कर सकते शब्दों में, वो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। यहाँ कंपैरिजन का कार्ड भी है, ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो गए हो,
पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो, या आप पहले इनके साथ क्या थे, खुश थे, दुखी थे, और अब कितने खुश हो या कितने दुखी हो। तो आपका व्यवहार, आपका बदलाव, आपके अंदर चेंज, या आप दोनों की लाइफ में क्या क्या चेंज आया है, इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि पहले हम कहाँ थे, क्या थे, हमारे बीच में क्या प्यार था या कैसे मोमेंट्स थे, और अब देखो कितना डिस्टेंस आ गया है या कितने दूर हो गए हैं या कितने अलग अलग हो गए हैं। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले तो आप ऐसे ना थे, या पहले तो परिस्थितियाँ ऐसी ना थीं, अब क्या हो गया। और खुद के लिए भी यही सोचते हैं कि पता नहीं समय को क्या हो गया, समय ने कैसी करवट ली, क्या चेंज हुआ, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो वो चेंज को नोटिस करते हैं, और जब चेंज को नोटिस करता है इंसान, चाहे आपके अंदर चेंज नोटिस करें या ओवरऑल सिचुएशंस में चेंज नोटिस करें, वो चेंज नोटिस कर करके उनको ऐसा लगता है कि कितना बदल गए हो आप भी, और सब कुछ, बाकी परिस्थितियां भी कितनी बदल गई। ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि पता नहीं चला चीजें कब इतनी बदल गई। तो वो कंपेयर भी करते हैं, हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं और स्टॉक करते हैं, तो उस चीज से वो ये भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि पहले आप उनके साथ कैसे थे और अब क्या हो गया है। कहीं ना कहीं वो ये भी देखते हैं व्यूवर्स, कि आप ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा सिंसियर, ज़्यादा मैच्योर, तो आपके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आ गई है। तो उनके हिसाब से अब वो आपको स्टॉक करते हैं, अब वो आपको देखते हैं तो उनको पता लगता है आप कितने मैच्योर हो गए हो, और उनके बिना आपकी लाइफ कैसी है। ये सब चीज़ें वो देखते हैं, पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर करते रहते हैं, पास्ट सिचुएशन को प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर करते रहते हैं, देख देख कर। उन्हें अगर प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके साथ, या आप कैसे हो, क्या हो, ये पता ही नहीं चलेगा, तो वो कंपेयर कैसे करेंगे। तो वो कंपेयर करते रहते हैं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करके। यस, उनको ये चेंज अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे बाय द वे, ये चेंज आया जो भी है, सिचुएशंस चेंज हुई, या आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई व्यूअर्स, या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ अपने आप को बदल के अचानक से इनको कोई धोखा दे दिया, नहीं, चाहे कुछ भी सिचुएशन में हुआ हो, इशू कहीं से भी शुरू हुआ हो, या गैप किसी भी वजह से आया हो, उनको अब देखिए सोशल मीडिया पर तो आप हमेशा दुखी नहीं रहेंगे व्यूअर्स, अपना दुख सोशल मीडिया पर तो बताएंगे नहीं ज़्यादा। तो सोशल मीडिया पर आप जैसे दिखते हो, जितने खुश दिखते हो, या जितने कैजुअल दिखते हो, या जैसे भी आप दिखते हो, वो उसी को समझ लेते हैं कि हाँ ये इंसान खुश है, मतलब ये बाहर घूमने गए हैं तो मतलब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वो सही चीज़ क्या है उसके पीछे वो नहीं समझ सकते। सोशल मीडिया जितना देता है उतना ही समझते हैं, जितना कहीं और से सुनने को मिलता है उतना ही समझ पाते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि देखिए आप खुद ही इस पिक्चर को देखिए, मैसेज देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट का मैसेज है यहाँ पे, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कोई इंसान है जिसके दोनों हाथों में एक तस्वीर है या एक बॉक्स है। ओके, वो ऐसा लगता है कि जैसे चेहरे पर रख लिया है, या ऐसा भी लगता है जैसे कोई इंसान एक ही तस्वीर को देख रहा है, एक ही तस्वीर को देख रहा है, या अपने आप को एक ही जोन में रख रहा है, एक ही बॉक्स में अपने आप को बंद करके रख रहा है, ऐसा भी लगता है यहाँ पे। तो वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस पास्ट में ही रखना चाह रहे हैं, वो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, या निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर आपके फोटोज़ को स्टॉक करते रहते हैं। देखिए ऐसा लगता है किसी इंसान के हाथ में कोई फोटो है और वो उसी को देख रहा है, बस ना लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, सिर्फ उसका ध्यान पूरा उस फोटो में है। तो कहीं ना कहीं वो पास्ट मेमोरीज रिकलेक्ट करते रहते हैं, या पास्ट मोमेंट्स रिकलेक्ट करते रहते हैं, या अपने माइंड में रिक्रिएट करते रहते हैं, यानी वापस वही मोमेंट क्रिएट करना अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में उसी पल को वापस क्रिएट करना, उसी पल को वापस बनाना, और उसको सोचना, उसको महसूस करना, उसे एक्सपीरियंस करना कि काश उन्हें वही प्यार, वही चीज़ वापस से फील हो सके। मेमोरी को इंसान दोबारा क्यों जीना चाहता है? किसी पास्ट मोमेंट को इंसान दोबारा क्यों जीना चाहता है? क्योंकि वो मोमेंट उसके लिए बहुत स्पेशल है, मेमोरेबल है। तो ऐसी इसी तरह से जब भी वो आपके सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं तो वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर रहे हैं, वो आप में ही जीना चाहते हैं, आपकी यादों में ही, आपके विचारों में ही, आपके ही थॉट्स में। दे डोंट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम दैट, दे डोंट वॉन्ट टू गो फार फ्रॉम दैट, वो दूर नहीं जाना चाहते उससे, वो उसी में खोए रहना चाहते हैं, वो उसी में डूबे रहना चाहते हैं, और वो उसी में ही इसीलिए उलझे भी रहना चाहते हैं, और उलझे हुए हैं भी,
इसीलिए वो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते रहते हैं, क्योंकि वो पास्ट से वो चाहे बाहर आ गए हों पास्ट से, लेकिन पास्ट उनके अंदर से बाहर नहीं आया है। तो मुझे नहीं पता कि आपके लिए ये खुशी की बात है कितनी या कितनी टेंशन की बात है, पर ये इंसान नहीं भूला है कुछ भी, और आप भी नहीं भूले हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर जैसा दिखाते हैं या लोगों को जैसा दिखाते हैं, व्यूअर्स जितना नॉर्मल जितना खुश दिखाते हैं, उन तक बस वही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और उसको सोच सोच कर वो कंपेयर करते हैं। सो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हैं ऑलरेडी, मैं उनको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ वापस से। ठीक है, अब सब सही है। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, दो कार्ड यहाँ पर आए हैं और दोनों कार्ड में वही मैसेज है जो मैंने अभी आपसे कहा। जस्ट सी, आई होप यू कैन सी दैट नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। और लिटरली मैंने कहा था कि जैसे वो आपसे कह रहे हों नो वन कैन रिप्लेस यू, और वही डायरेक्ट मैसेज यहाँ आया है कि कोई तुमको रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, और वही मैसेज यहाँ आ गया। तो व्यूअर्स, वो ये भी आपसे बोलना चाहते हैं, और ये मैसेज भी मैंने अभी आपको दिया था, आई कांट फर्गेट यू। यस, आई कांट फर्गेट यू, मैं आपको भूल ही नहीं सकता, मैं आपको भूल नहीं सकती। तो वो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था कि ये इंसान व्यूअर्स आपको नहीं भूले हैं और नहीं भूल पा रहे हैं और नहीं भूल सकते। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर भी है, ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर आए। मुझे लगता है ये फैमिली की तरफ से हो सकता है, किसी और चीज़ का हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज फील करते हैं, इन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है ऐसा लगता है, किसी चीज़ के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है इनके ऊपर। लेट गो द पास्ट, लेट गो ऑल द पेन, हील योर हार्ट। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसे जाने देते हैं और अपने हार्ट को आप हील करो, और इनको एक और चांस दो और सारे दर्द को लेट गो करो। तो अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया था, चाहे वो इग्नोर करके, चाहे वो डिसरिस्पेक्ट करके, चाहे वो बिट्रे करके, चीट करके, जो भी करके उन्होंने अगर आपका दिल दुखाया था, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उस पास्ट को जाने दो, अब लेट गो कर दो, भूल जाओ, छोड़ो उन बातों को जो गलत थी या जो नेगेटिव थी, उनको जाने दो। हे, वी हैव अनदर कार्ड, आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू, मैं आपके साथ अपने भविष्य के सपने देखता हूँ या देखती हूँ। तो व्यूअर्स, ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है ऐसा लगता है, या कर रही हैं। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ अपना भविष्य, आपके साथ अपना भविष्य प्लान कर रहे हैं, या अभी भी इतने होपफुल हैं, अभी भी यही डिज़ायर है इनका कि उनका जो फ्यूचर है वो आपके साथ ही होना चाहिए। या किड्स आर लाफिंग आउटसाइड, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो बच्चे अगर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो व्यूअर्स एक पॉजिटिविटी है। चाहे ये दुखी हैं, चाहे आपको किसी भी रीज़न से स्टॉक कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर हमने रीजन्स देखे, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये इंसान आपको प्यार करता है एंड अभी भी आपके साथ अपने भविष्य के सपने देखता है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने परसेंट रेजोनेट करती है, और आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सॉरी कमेंट्स भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।